अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सुबह से ही मेहमान आए थे घर में, तो एक्चुअली बशारत साहब जो मेरा जिगरी भाई है, बड़ा भाई है, तो ये भी आया था सुबह से ही। तो सुबह से ही हम काम पे लगे हुए थे यहाँ पे, तो अब हम निकले हैं यहाँ से, तो जाना है कहीं दफ्तर ब्लॉक ऑफिस में। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम दिन भर का काम और कहाँ तक जा रहे हो, क्या कर रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब आगे ब्लॉक में। तो हम शुरू कर रहे हैं दिन की शुरुआत आज से ही, तो चलो अल्लाह हाफिज। हेलो डियर फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम जी। आज हम पहुंचे थे यहाँ कुकरना अपने ब्लॉक ऑफिस में, और यहाँ पे हमें डीडीसी मैडम भी बैठी थी और हम भी बैठे थे। हमने सोचा हम भी यहाँ पे थोड़ा अपने ऑफिस में एक ब्लॉक बनाए, कि तो यहाँ पे भी अपने लोग बैठे हैं और एजाज साहब बैठा है यहाँ पे, और अपना दोस्त अपना भाई बैठा है यहाँ पे। तो हमने शुरुआत की सुबह से ही, सुबह निकले घर से पहुँचे यहाँ ब्लॉक ऑफिस में, देखेंगे आगे इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पे मैडम भी बैठी हुई थी, लेकिन इसको पता नहीं कि हमने एक यूट्यूब पे चैनल खोली थी, तो इसको भी बताएंगे कि हमने चैनल एक खोली थी यूट्यूब पे, मैंने इसको बताया थोड़ा, तो इसलिए हम दिन की शुरुआत कर। लेकिन मैडम हमारी चाय पी रहे इस वक्त, तो मैडम आपको भी बताइए इस अपने चैनल के बारे में। हमारे बारे में यहाँ, तो इसको अपलोड करेंगे, थोड़ा हमें बताइए व्यूअर इसको क्या मतलब, हमने क्या क्या मीटिंग यहाँ पे की और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो बताइए डेवलपमेंट के बारे में बताइए। डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। हमारे सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके पहले 60 साल से हमारे लीडरों ने इतना काम नहीं किया है जितना हमारी पंचायतों ने, हमारे सरपंचों ने, हमारे पंचों ने काम किया। बहुत अच्छा काम, बेस्ट काम किया है। मैं अपने सरपंचों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक MLA मतलब 2-3 सालों में भी नहीं एक ट्रांसफार्म लगा सकता था, वहाँ पर हमारे सरपंचों ने अपने हल्कों में 4-4, 5-5 ट्रांसफार्म लगाए और टाइल पाथे बनाई, प्रोटेक्शन बनाए, ड्रेनें बनाई, बहुत ही अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। ये मैडम ने सरपंच के बारे में जानकारी दी, लेकिन एक्चुअली आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं भी एक सरपंच हूँ खुद अपने हल्के का, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ की डेवलपमेंट भी, और नए नए कंटेंट पे हम फोकस करेंगे और दिखाएंगे यहाँ कुकरना का अपना कश्मीर भी दिखाएंगे, कुकरना में दिखाएंगे और हर जगह पे। तो मैं आपको कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये जो हमारी चैनल है खान ब्लॉग 897, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और इंशाल्लाह बेल आइकन भी दबा के रखिए, और नए नए लेटेस्ट वीडियो हम डालेंगे इस पर, तो इंशाल्लाह मिलेंगे आगे। तो चलो टेक केयर, बाय बाय। ये जो हमारा यहाँ पे है एक चाचा साहब, तो ये दिनजीपुरा में रहता है, तो एक्चुअली अब्दुर्रशीद बाट साहब, अच्छा ना, तुम वन तो ये वन मस्जिद शरीफ ये गोहन जामे मस्जिद शरीफ बिल्कुल, तुम वन तो मे तु रोजान कत बीय तुम इतना कुर्स पे तुल तुम रशीद रशीद असल पे तुम آ تو ام مسجد شریف سفیر چھوا تو ٹھیک لگس تو تھی پان روزان دن پورا تو یہ کتھ مسجد شریف تھی بنان لگس اچھا مل مرگ گہن وائلو بنان یہ جامع بنان اچھا ونکس چھو دم پور تم اچھا ٹھیک تو اتھ یہ مدت ضرورت انشاءاللہ یہ بہت ونکس بنا یوٹیوبس خطرہ یہ بہت بنا اگر تھی کھانا اپیل تھی کریں یہ پنس یت بلاگس پہ ترو اس تم سی گھو تھی مدد تھی تھی ہوتا یہ رسید بک لکھن نا کرو لگس یہ کرو خلقن بالکل لگس تھی یقین اخ سیکنڈ یہ کن دے ڈیئر فرینڈس ہم یہاں کوکرناگ اپنے بلاک میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں तो हमने एक चाचा को यहाँ पे देखा, लेकिन इस पे अकाउंट नंबर IFC कोड और फोन नंबर भी इस पे लिखा हुआ है,
तो आप इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और जानकारी भी ले सकते हो कि ये सही है या गलत है, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन ये जो चाचा साहब ये दिल्लीपुरा में रहता है इसको हम जानते भी हैं लगभग, और ये जो है ये मजीद शरीफ बताए कच्छ मलमारे गोहन वायलू में बना, तो आप इस पर मतलब देख सकते हो, और ये जो है तो आप मदद भी कर सकते हो मजीद शरीफ तामीर बनाने के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे बढ़िया बढ़िया भी इंशाल्लाह व्लॉग आपको दिखाएंगे आगे भी। तो प्यार हज बाप ठीक باب صاحب اس ونتو یہ پن فون نمبر اگر کنٹیکٹ تھی سر کر نا کھانا تو تھی ونتو زبان یہ فون نمبر پہ ہوں اِس شو تک پہ ڈسپلے لکھو نا نائن نائن زیرو سکس نائن ون نائن فائیو نائن سیون ٹھیک ہے تو یہ پہ اگر کس کنٹیکٹ آپ کرو یا جانکاری آپ کی ضرورت ان شاء اللہ تو یہ کرو یہ پنہ ویورس ون ان شاء اللہ تو ات مزید کیا مدد ضرورت تو تھی ہوں مدد ان شاء اللہ گھت हाय गाइस, आज हमारा दौरा है कुकरनाग से वायलू तक, जाने का वापस आने का। मेरे साथ है हमारे जाकिर भाई, जान साहब, और ये हमारा दोस्त मिस्टर नदीम, और मैं खान माजिद। कौन? बिल्कुल बिल्कुल, खान व्लॉग्स भी, खान व्लॉग्स, खान व्लॉग्स में और खान माजिद। ठीक है, अब कैमरा बैक साइड दिखाइए, ये सामने आप देख सकते हैं जो मशहूर ज़ैरत शरीफ है वो दिखाई देगी आपको, हम चंद ही लम्हों में दिखाएंगे कि हमारी ज़ैरत शरीफ कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रोड है ये फोर लाइन में उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना शानदार काम। उनका जो टाइम पीरियड था वो कुछ डेड लाइन दी गई थी, लेकिन इनके उस टाइम को बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों का मौसम है तो टाइम पे काम पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये काम बड़े ज़ोर व शोर से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे जो कि अनंतनाग से वायलू तक कंप्लीट होने जा रहा है, इसके आगे आप देखोगे जो टनल संगपुरा टनल, और हमारा यहाँ से किश्तवाड़ तक टोटल 1.5 घंटे का सफ़र रहेगा। और आप लोग जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार यहाँ का दौरा जरूर कीजिए जनाब। बिल्कुल, और हम दिखाएंगे जो टनल बनने जा रहा है वायलू टू सिंगपुरा, तो इंशाल्लाह हम इनको जल्दी दिखाएंगे हम कि वो कहाँ किस जगह पे बन रहा है, तो वो लोकेशन भी इनको दिखाएंगे हम। बिल्कुल जरूर, जाओ आप एलन, देख एलन सकते हैं हमारे सामने ज़ैरत शरीफ गोन, बाबा दाऊदी, बाबा दाऊदी वायलू में। तो आप देख सकते हैं पंचायत हालपुरा में है जहाँ पे हमारा सरपंच साहब गुलजार अमन डार साहब हैं, जो कि हालपुरा से बिलोंग करते हैं। हमारी जो ब्लॉक है वो ब्रेंक कुकरनाग है, और देखो ये इनके जो बजट था इन्होंने अपने फंडिंग में से ही पूरी अपनी पंचायत के लिए, आप देख सकते हैं लाइटें इंस्टॉल करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है क्योंकि सर्दियों में लाइट का जो सिस्टम है वो बहुत कम रहता है और लोगों को चलने में दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इसलिए इसने हर चौराहे पर, हर रोड में, हर जगह पर जहाँ पर ज़रूरत थी अपने पूरे अपनी पंचायत बाड़ी को लेके साथ में, और ये लाइटें इंस्टॉलमेंट का जो काम है आप देख सकते हैं बड़े गौर से कि कितने ज़ोर ज़ोर से ये काम और कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको गुलजार साहब मुबारक है। जैसे कि हमारा ये बजट आया था, बहुत सारे सरपंचों ने ये बैक टू विलेज, आपका बैक टू विलेज का है, हाँ बैक टू विलेज थोर का जो इनका कोटा था उसमें इन्होंने ये एक प्लान दिया था कि लोगों की रिक्वायरमेंट है लाइट पर ज़रा फोकस किया, इन्होंने अच्छा काम किया। तो इस तरह हमारे साथ ये जान साहब हमारे सरपंच हैं, और ये हमारे गुलजार साहब हैं, और ये यहाँ के इंस्टॉलमेंट करने वाली टीम भी आई हुई है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी मेहनत से और बड़े टेक्निकल तरीके से ये लाइटें लगा रहे हैं। तो जान साहब आप कंटिन्यू। बिल्कुल जनाब, व्यूअर्स जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं, हमने ये जो नई चैनल खोली थी खान व्लॉग से 897, गुलजार साहब आपको तो पता ही, तो हम आ रहे थे वहाँ से, तो हमने दिन का इनको बताया था कि प्रॉमिस किया था कि हम दिन सुबह उठे थे और दिन का हाल अहवाल दिखाएंगे कि कहाँ तक हम गए थे, और वीडियो ऑफिस में गए थे, हमने मैडम को भी इंटरव्यू किया था पहले, तो वो हम इस ब्लॉग में डाल लिया। तो जाकिर साहब भी हमारे साथ था, तो हम अभी आ रहे थे आपके पास ही, तो लेकिन हमने अभी देखा मौसम चेंज हो गया, तो अभी ये देखेंगे देर तक करेंगे काम, तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आप दूसरे ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तो आज दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़ और शुक्रिया।